Hello everyone and welcome back to my channel Dusky Mermaid. My name is Manshi Singh. I hope you can hear me. Actually, I can't speak loud. I'm making this video at 12 o'clock. It's going to be my birthday. So thank you if you are wishing me. So I thought ki kyun na ek video bhi bana li jaye because mera birthday hai. So I have to do some glow up. You guys really liked my video about the peeling solution. A lot of you guys had concerns because it was a 30% peel and 30% is a lot to start with. So what I have for you guys, good news, is another peel that is 15% concentration. Aur isko main bolungi beginner's peel kyunki iski concentration kafi kam hai. I mean half hai, 30 se 15 hoge to half ho gayi. तो ये बिगिनर फ्रेंडली है. जिन लोगों ने अभी तक कभी भी अपने फेस पर पीलिंग सॉल्यूशन नहीं लगाया उनके लिए परफेक्ट है एकदम. सो इसका नाम है 15% AHA प्लस BHA बिगिनर फेस पीलिंग सॉल्यूशन फ्रॉम द डर्माको. टॉक अबाउट द पैकेजिंग, यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है द डर्माको का 15% AHA प्लस 1% BHA बिगिनर्स फेस पीलिंग सॉल्यूशन. यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज़ फॉर बिगिनर्स. जिनको अभी आदत नहीं है फेस पर पीलिंग सॉल्यूशन यूज करने की, वो इस वाले सॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं, इस कॉन्सेंट्रेशन से, और बाद में दे कैन मूव ऑन टू 30% वंस दे थिंक कि उनकी स्किन जो है अडेप्ट हो गई है पीलिंग सॉल्यूशंस के लिए. और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स गिवन है. एज वी ऑल नो कि डर्मा को अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है. उनकी जितने भी परसेंटेज है वो एज इट इज लिखी होती है. यू कैन सी 5% ग्लाइकोलिक एसिड. ग्लाइकोलिक एसिड इज द AHA जो डिजोल्व कर देता है हमारी स्किन के ऊपर की डेड सेल्स और नई रिवील करता है जिससे ग्लो आती है. 5% लैक्टिक एसिड, 5% मैंडेलिक एसिड एंड 1% सेलिसाइलिक. सेलिसाइलिक एसिड BHA है जो हमारे पोर्स को क्लीन करता है और एक्ने को कंट्रोल करता है. यू कैन सी फॉर एक्सटर्नल यूज दिस इज एज यूजुअल एज ऑल डर्माकोर प्रोडक्ट्स. इट्स सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, टाई एंड मिनरल ऑयल फ्री. यहाँ पर हाउ टू यूज लिखा हुआ है. इवनली स्प्रेड करना है एंड कैसे लगाना है एंड फेस अपना वॉश कर लेना है इसको 10 मिनट लगाने के बाद. और मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ मैं फेस वॉश करने के बाद. और बस यू हैव टू स्लीप एंड रिमेंबर इसको सिर्फ रात को यूज़ करना है. इसको लगाने के बाद धूप में नहीं जाना, और अगर नेक्स्ट डे जब धूप में जाओगे तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है. यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो अगर आपको और डिटेल्स लेनी है, बट स्टिल मैं इस वीडियो में भी सब कुछ कवर करूँगी. इसको एंड तक देखना है. इसको लगाना बहुत सिंपल है, बट स्टिल आई शुड वॉर्न यू, प्लीज़ 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 डू अ पैच टेस्ट बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग न्यू. सिर्फ ये पील नहीं, कोई भी नया स्किन केयर फेस पे लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करना है. एंड बिकॉज दिस इज़ अ फेस पील, इट कंटेन्स मेनी एसिडिक कॉम्पोनेंट्स, सो दिस इज़ नॉट अ जोक. प्लीज़ इसको हल्के में मत लो. जितने भी प्रिकॉशंस हैं सब लेने हैं आपने. अगर आपके कोई ओपन स्किन है, कहीं पे वूंड है, कोई पिंपल जिसमें पस बनी हुई है, ओपन सोर है, उसके ऊपर ये नहीं लगाना है, बहुत जलेगा. अंडर आई जितना भी सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर नहीं लगाना है, बहुत जलेगा. इसको लगाना बहुत सिंपल है. जस्ट आपको अपना फेस वॉश करना है क्लीन फेस पर. का टेक्सचर सेम है, लाइट रेड कलर है इसका और हल्का सा थिक विस्किस सा इसका टेक्सचर है. जितना भी पील चाहिए उसको हाथ पर ले लो. फैन ब्रश यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए. मैं अपनी फिंगर्स ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ैन ब्रश नहीं है. और बस इसको अपने फेस पर 10 मिनट्स लगा कर रखना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार यूज़ करना है. एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये तो हम सब जानते हैं. पीलिंग सॉल्यूशन हमारे फेस को एक्सफोलिएट करता है, और इस एक्सफोलिएशन से क्या होता है, जो ऊपर के डेड स्किन सेल्स हैं वो हट जाते हैं और अंदर के जो अच्छे नए स्किन सेल्स हैं वो आते हैं. अब हमारे पुराने डेड स्किन सेल्स में हमारे एक्ने मार्क्स भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन हल्का फुल्का, और डेड स्किन से स्किन डल लगने लगती है. तो जब वो हट जाता है तो स्किन बहुत ग्लोइंग होने लगती है. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए. अब ये मेरा, मैंने एक्चुअली नॉर्मल स्क्रब्स यूज़ करने छोड़ दिए हैं, मैं पीलिंग सॉल्यूशन ही यूज़ कर रही हूँ आजकल. एंड आई विल से कि मैंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे अपनी स्किन में, बहुत ज़्यादा. मेरे जो पोर्स थे वो भी काफ़ी हद तक रिफाइन हुए हैं. स्किन का टेक्स्चर बहुत अच्छा हुआ है इससे, स्किन पे ग्लो आता है अच्छा. एंड ऑल यू हैव टू डू इस हफ्ते में एक बार इसको यूज़ करना है. दैट्स इट. यू वॉन्ट टू परचेज दिस पीलिंग सोल्यूशन, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन चेक द वेबसाइट www.thedermaco.com. और मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जितनी भी है. आपको परचेज करना है, जस्ट लिंक पे क्लिक करो एंड परचेज कर लो. और अगर आपको अपनी परचेज पर 20% ऑफ चाहिए देन यूज़ माई कोड Dusky20. ये रहा कोड, इसको चेकआउट के टाइम लगाओ एंड यू विल गेट 20% ऑफ. दैट विल सेव यू सम मनी. Thank me later. And that's it. That's all for today's video.
एंड मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया है, सो थैंक यू. आई एम वेरी हैप्पी. एंड अभी कुछ नहीं करनी. आई थिंक आई विल कट अ केक और समथिंग, लेट्स सी. और अभी मैं चलती हूँ क्योंकि आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया इसके बारे में. स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो, मैं बता दूँगी. जो भी कन्फ्यूजन होगी सब क्लियर हो जाएगा. एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको बर्थडे पोस्ट भी मिल जाएंगी मेरी. एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.